भाई और बहनों सबको मेरा नमस्कार, सब लोगों को। और मेरे सर पे रख दो दादा हाथ, इसके ऊपर एक भक्ति का हिट सॉन्ग्स करने के लिए जा रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटे का बटन तो जल्दी से जल्दी दबाइए, क्योंकि हमारा इतना हिट भक्ति आता है। आपके सिर के अंदर कितना भी टेंशन रहेंगे वो टेंशन गायब हो जाएगा और आपके भक्ति में मन लग जाएगा और आपके टेंशन फ्री हो जाएगा। इसलिए मेरे सर पे रख दो, मेरे सर पे रख दो दादा अपने ये दाना हाथ, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसास है बड़ा परेशान, तेरा एहसास है बड़ा हमारे को परेशान, हमेशा दादा ओ मेरे दादा अपने ये दाना हमारे सिर पे हमेशा के लिए रख दो आपके हाथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा क्या मांगा है हमने जो देने से घबराते हो, ऐसा क्या मांगा है हमने जो देने से घबराते हो, दादा चाहे दुख में रहो या सुख में, चाहे दुख में हो, चाहे दुख में हो या सुख में तुम्हें थामे रहना हाथ, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, सुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन बाजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता मेरा रोशन कर दे ओ कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ना रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है, ना रंग का मेल की आशा ना दौलत की अभिभाषा, हम तो आए हैं द्वार तुम्हारे दर्शन दी को मन प्यासा है, हम तो आए हैं द्वार तुम्हारे दर्शन को मन प्यासा है, तेरी आंगी सुहाए हम सब तेरी आंगी हो, हम तेरी आंगी रचाए हम सब मिलकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, दादा मेरे सर पे रख दे दादा अपने ये दाना हाथ, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये दादा के ऊपर छोटा सा भक्ति सॉन्ग था, हमने
अच्छी तरह से आपको समझाया है, आप भी अच्छी तरह से समझकर आपके परिवार को सुख और शांति दीजिए और एकजुट होकर के रहिए। जितना आप एकजुट होकर रहेंगे आपके घर की नींव मजबूत रहेगी, और जब आप परिवार के अंदर एकजुट कर नहीं रहेंगे तो आपकी घर की नींव घिसक जाएगी और आपके परिवार में कभी भी शांति से आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार वाले, आमने सामने वाले जो अच्छे इंसान को दुरुपयोग लाइन में लेने के लिए हजारों लोग खड़े हैं आपके पीछे, और जो भी इंसान छुरी आगे से नहीं मारते पीछे से मारते, क्योंकि आगे से मारने के लिए उसकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए अभी ये कोरोना चल रहा है, जब कोरोना बंद हो जाएगा, जब कोरोना चलता है और देश के 144 धारा है, सभी इंसान घर के अंदर पड़े हैं, बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और जब ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा सभी घर से बाहर निकल जाएंगे और भरपूर व्यापार करेंगे, मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे, परिवार की कोई भी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। जब वो जाएगा एक पैसा भी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि जब आज वो आया था खाली हाथ आया था और जाते समय भी खाली हाथ ही लेके जाने वाला है, इसलिए वो पैसा पैसा किस लिए करता है वो उसको ही पूछना, क्योंकि पैसे के पीछे एक ही और होता है विरोध, उसकी पूरी परिवार की दुरुपयोगी लाइन। जहाँ पे है ज़्यादा पैसा वहाँ पे कभी भी प्यार प्रेम नहीं रहता है, घर में लड़ाई और झगड़ा ही रहता है, क्योंकि उसके परिवार में कोई भी काम आने वाली पीढ़ी बच्चे लोग बराबर नहीं रहते, क्योंकि उसको मालूम है मेरे बाप दादा के पास में खूब सारा पैसा है, हम किस लिए भुगतना, हम तो सिर्फ फ्रेंड के अंदर लड़कियों के साथ घूमना फिरना ऐश मौज करना, जब दादा दादी का पैसा ख़त्म हो जाएगा तभी मालूम पड़ेगा एक रुपया कैसे कमाना है और कैसे खर्चा करना। जब तक पैसा रहेगा उसको कुछ भी मालूम पड़ने वाला नहीं है, और जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तभी उसको सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।